सायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, मोहन मरकाम को नहीं मिली थी एयरपोर्ट पर एंट्री, जिसके बाद प्रदर्शन किया गया। सिर्फ 4 लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिली थी। पीएल पुनिया के स्वागत के लिए कांग्रेसी पहुंचे थे और ये कांग्रेस नेताओं का अपमान है। मोहन मरकाम ने कहा कि ये कांग्रेस नेताओं का अपमान है, जबकि एयरपोर्ट के अंदर 4 लोगों के जाने की इजाजत थी। पीएल पुनिया के स्वागत के लिए कांग्रेसी पहुंचे थे, लेकिन मोहन मरकाम को एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और मोहन मरकाम ने बयान दिया कि ये कांग्रेस का अपमान है। तो रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। मोहन मरकाम को एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 4 लोगों को अंदर जाने की इजाजत थी, लेकिन मोहन मरकाम अंदर नहीं जा सके। वैभव शिव पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। वैभव, सबसे पहले तो ये मामला बताइए, और अगर प्रोटोकॉल के तहत 4 लोगों को जाने की इजाजत थी तो फिर इसको लेकर प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल, एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, दरअसल पीएल पुनिया आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पहुंचे, लेकिन ये देखिए ये एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के अंदर कांग्रेस नेताओं को जाना था लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। सिर्फ 4 लोगों को अनुमति मिली, जिससे कि कांग्रेसी नाराज हुए और ये तमाम कांग्रेसी इस वक्त आप दिखाई दे रहा है, ये देखिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और इन्होंने सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की है। मोहन मरकाम जी हैं, उनसे मैं सीधे बात करता हूँ। मरकाम जी, ये कांग्रेसियों का अपमान है, सत्ताधारी दल का अपमान है? देखिए, एयरपोर्ट प्रशासन के भेदभाव के कारण हम लोगों को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। हमारे सम्मानीय विधायक, हमारे मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त, उनको भी अनुमति नहीं मिला। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आता है, उनके कार्यकर्ता और उनके मंडल अध्यक्षों को भी जाने का मौका मिलता है, 25-30 लोगों को मौका मिलता है। जबकि हमने सुबह ही 17 लोगों की लिस्ट भेजी थी, उनमें के मात्र 4 लोगों को अनुमति मिली है, इसीलिए हम लोग सब बाहर खड़े हैं और कहीं ना कहीं ये रवैया प्रशासन का ठीक नहीं है। राजेंद्र तिवारी जी, हमने देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार है जब आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार दिखाई दे रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? ये जब से राजेश ये कोई सहाय जी आए हुए हैं और कोई मीणा जी आए हुए हैं, उनके कारण ये गड़बड़ी हो रही है। और कोई हम अप्रिन तक तो जाने की जगह नहीं मांग रहे हैं कि जहां पर हवाई जहाज खड़ा होता है वहां हमको जाने दिया जाए। हम केवल जहां पर आगंतुक खड़े होकर के स्वागत करते हैं वहां तक जाने की अनुमति मांगते हैं, और लगातार ये अनुमति मिलती रही है। और इसमें जितने भी हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, इनको राज्य सरकार ने ये सोच करके दिया है कि ये लोग जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं, तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उनके प्रति अपमान की भावना, ये राज्य सरकार के प्रति किस तरह से विद्वेष की भावना रखती है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी, इससे पता चलता है। आपने फटकार भी लगाई स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर को? हाँ, बिल्कुल, मैंने स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर से कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के मान सम्मान का को देखें। तो खैर, उनके अपने तर्क थे, उनको जानकारी नहीं हो पाई थी। उनका कहना था कि हमेशा आप लोगों को अनुमति मिलती है, हम इसी धोखे में थे कि आपको बकायदा अनुमति आप लोगों को मिलेगी। ये अभी SSP से बात हुई, कलेक्टर भी से भी बात हुई, इस मामले को लेकर के हम लोगों को बहुत आक्रोश है कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को। कभी ऐसा हम लोगों के साथ में नहीं हुआ जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर। उनका कहना है कि जो यहाँ के डायरेक्टर है उनका रवैया बहुत ही खराब रहा है, और ये मैं तस्वीर इस वक्त सीधे दिखा रहा हूँ। पीएल पुनिया पहुँच चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया पहुँच गए हैं, आप तस्वीर देखिए, और उनका स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता, वो भी आप तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये कांग्रेस नेता जो कि हमेशा अंदर नजर आते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में जब सत्ताधारी कांग्रेस दल के तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद रहे। और शिव डहरिया इस वक्त आ गए हैं, मंत्री हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। डहरिया जी, अभी यहाँ पे एक वाक्या देखने को मिला जहाँ पे कांग्रेसी नेता अंदर नहीं गए, उनका कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसका अपमान किया है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं। निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का पालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं कर रही है, और केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के निर्देश पे इस तरह कांग्रेस के हमारे प्रमुख नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया, एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, तो मंत्री शिव कुमार डहरिया भी जो है उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, और आप समझ सकते हैं कि ये मामला यहीं पे नहीं थमने वाला है। जाहिर तौर पर ये विवाद अभी और गहरा सकता है, चूंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं
कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये केंद्र के इशारे पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार का अपमान है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान है। और ये तस्वीर आप देखिए, आज काफी लोग आए हुए हैं निगम मंडलों की नियुक्ति के लिए, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और बाकी लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार कब पूरा होगा? ये निरंतर प्रक्रिया है, वार्तालाप है, अनुमोदन है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से ये सब गुजरता है और होता रहेगा। ये क्या अनुमोदन के लिए आपके पास आया है, नहीं आया है क्या, आगे की क्या? नहीं अभी तो नहीं आया, अभी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा लगता था जी। ये कहा जा रहा है कि अभी के निगम मंडल में भी कोई असंतोष है, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा से जो आए, बसपा से जो आए उनको बना दिया गया, जो मूल कांग्रेसी है उनकी अनदेखी हुई है, ऐसा है क्या, जानकारी आई है आपके पास? नहीं ऐसा तो नहीं है, दरअसल हर व्यक्ति चाहता है कि उनका मंडल निगम आयोग में नाम आ जाए, और इतनी जगह है नहीं, कुछ छूटेंगे तो उनको लगेगा मेरी उपेक्षा हो गई, तो इतनी सी बात है। बाकी में क्योंकि अब एक आखिरी लिस्ट बस आनी बाकी है, तो क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ता बहुत है जो संघर्ष किया विपक्ष में रहते हुए, तो कैसे एडजस्ट किया जाए? सभी को उन्हीं को दिया है जिन्होंने संघर्ष किया है, पार्टी को जिताने का काम किया है, उन्हीं को दिया है, और ऐसे ही लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, ये जो पूरा चल रहा है, ये पेगासस का जो मामला चल रहा है पूरे देश भर में, क्या कहना है इसमें आपका? ये तो आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। राजनेताओं का छोड़ दीजिए, जो पेगासस जो स्पाईवेयर, उसका इस्तेमाल केवल टेररिस्ट और क्रिमिनल्स माफिया उनके खिलाफ करने का प्राविधान है, लेकिन जो सूची आई है उसमें एक भी क्रिमिनल नहीं, एक भी टेररिस्ट नहीं है। राहुल गांधी का नाम उसमें है, उनके स्टाफ का नाम है, अनेक पत्रकार हैं, सीबीआई के डायरेक्टर का है, इलेक्शन कमीशन का अफसर है उनका है, और सोशल एक्टिविस्ट है। तो सरकार तो ये डरपोक सरकार है, और डर के ये सब उन्होंने किया है, कि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए, और इसका दुरुपयोग करके मैं समझता हूँ कि जो निजता के अधिकार पर हनन किया है वो क्षम्य नहीं है। ये मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, और मैं समझता हूँ कि परतें खुलेंगी कि सरकार ने खरीदा, क्योंकि जो इजरायली कंपनी NSO है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी प्राइवेट एजेंसी को ये सॉफ्टवेयर, ये वेपन नहीं बेचते, हम केवल और केवल सरकार को बेचते हैं। तो अगर हिंदुस्तान में हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने कराया, ये बहुत स्पष्ट बात है। ये छत्तीसगढ़ तो इसका स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए, और क्योंकि गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो वैभव बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।